मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा और झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी उत्साह और क्रेज नजर आ रहा है। उन्होंने साथ ही तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में चुकाने वाले परिणाम को लेकर के भी उन्होंने कहा कि अब जो चुनाव होगा गुजरात में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। तो वहीं गुजरात चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातें भी कही। तो मीडिया से मुखाबित होते हुए तमाम बातें कही हैं सीएम अशोक गहलोत ने, और साथ ही साथ गुजरात चुनाव को लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम भी आएंगे। जब पब्लिक साथ होती है तो सत्ता फिर सब काम कामयाब होते हैं। तो पूरे हाड़ौती के अंदर जो माहौल में देख रहा हूँ उससे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा चलेगी, कामयाब होगी और आम जनता भी साथ चलेगी। और झालावाड़ जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ भी मैं जाके आया हूँ, वहाँ पे मैं रास्ते में रुका गांव के अंदर भी, तो ग्रामीण वासियों में बहुत उत्साह है। मैं छोटे बच्चों को पूछा, बच्चे बड़े खुश थे। तो यात्रा जो पूरे कंट्री में चल रही है 2000 किलोमीटर पूरी कर चुकी है, उसके अंदर जो आजकल तो सोशल मीडिया है, बच्चे भी बूढ़े भी सब देखते हैं कि क्या कारवा चल रहा है और क्यों चल रहा है। ये गांव गांव घर घर में चर्चा होगी कि महंगाई को लेकर चल रहा है, बेरोजगारी को लेकर चल रहा है, शांति अहिंसा रहनी चाहिए देश के अंदर, तनाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए चल रहा है। और जो समस्या है देश के सामने, जो गवर्नमेंट का दबाव है जुडिशरी पर, इलेक्शन कमीशन पर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पर, वो भी मुद्दा बन चुका है देश के अंदर। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी जो निकल पड़े हैं उससे केंद्र में दबाव पड़ेगा। ऐसी यात्रा है जो एक प्रकार नॉन पॉलिटिकल भी है, ये इस यात्रा में कोई भी आ सकता है। मेधा पाटेकर जी आई थी, मैं गुजरात में था, लोगों ने आलोचना करी।